महिंद्रा इटुओ प्लस। आज हम इस कार को टेस्ट ड्राइव लिए कुछ मिनट पहले। इस कार का एक खासियत है, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है, इसको पेट्रोल डीजल में नहीं चलता है। बहुत अच्छा कार है, आप टेस्ट ड्राइव लो। टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करो। ठीक है, हिंदी काफ़ी अच्छी। सामने स्टेपनी है, एक स्टेपनी है, ये स्टेपनी है, बहुत अच्छी कार। ये आपका वाइपर का पानी, वाइपर का मोटर, एसी का मोटर, फ्यूज बॉक्स, ब्रेक ऑयल, और ये जो फ्रेम है ये पूरी गाड़ी का स्केलेटन है। ये आइटेन से स्टील से बनी हुई है, तो किसी भी तरह से इम्पैक्ट होता है तो ये टूटेगा नहीं। ए ये ओके ओके, ये है वाटर वाइपर का पानी। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे वो मोटर सेक्शन है। मोटर सेक्शन, ओके ओके, ठीक है। किलोवाटर मिड मॉडल और बेस मॉडल मोटर আছে 19 কিলোওয়াটের। সো গাড়িগুলোকে চার্জ করতে সময় লাগে 6 ঘন্টা এবং 9 ঘন্টা, টপ মডেলে 9 ঘন্টা, বেস মডেলে মিড মডেলে 6 ঘন্টা। ওকে, তাতে কনজিউম করে ইলেকট্রিসিটি 11 ইউনিট বেস মডেল আর মিড মডেল, টপ মডেল 16.5 ইউনিট। তাতে রান করে 110 কিলোমিটার আর টপ মডেল 140 কিলোমিটার। এসি চালালে 20 থেকে 25 কিলোমিটারের মতো ডিফারেন্স আছে। ঠিক আছে, ডিফারেন্স হবে কিছু। আচ্ছা, এসি চালালে ব্যাটারি কনজিউম করতে পারে। খাবে এই গাড়িটার মধ্যে অ্যাসাচ কোনো ইঞ্জিন বা গিয়ার বক্স নেই। ওকে, এটার মধ্যে রয়েছে ব্যাটারি আর মোটর। এই যে লিভারটা রয়েছে এটা কিন্তু কোনো গিয়ার লিভার না, ট্রান্সমিশন লিভার। এটাই মোটরটাকে বলে যে তোমাকে আগে ঘুরতে হবে না পিছনে ঘুরতে হবে, মানে গাড়ি আগে যাবে না পিছনে যাবে। ইস কার মে জো আপ ক্যা বলে ইঞ্জিন হ্যায়? ইঞ্জিন নেই গাড়ি, নেই হ্যায়, ইস গাড়ি মে ইঞ্জিন নেই হোতা। ও জো সামনে মে মানে ফ্রন্ট মে ক্যা হ্যায়? স্টেপ নেই হ্যায়। और बैक में? बैक में नॉर्मल फुट स्पेस है 135 मीटर का। ओके ठीक है। और स्टार्ट कैसे करें इस कार को? पहले स्टार्ट करने के लिए पुश बटन दिया गया है। okay. पुश बटन प्रेस करके चाबी को अगर टच करवाते हैं okay. तो पुश बटन में बिना चाबी टच करवाए ऑरेंज कलर का लाइट जलता है। जैसे ही चाबी टच कराते हैं वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है नॉर्मली। फिर आपको ब्रेक प्रेस करके हैंड ब्रेक रिलीज करके गाड़ी को फॉरवर्ड मोड में देना है, जैसा आप गाड़ी अभी चल रहा है आपका। सो फिर आप जैसे एक्सेलेरेटर से सॉरी ब्रेक से पैर हटा देंगे वो गाड़ी खुद ब खुद 5 किलोमीटर स्पीड पर आकर चलती रहेगी। इसमें क्रिप मोड दिया गया नॉर्मल ऑटोमेटिक की तरह कि अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक हो तो आपको बार बार एक्सेलेरेटर ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े, गाड़ी आपका नॉर्मली 5 किलोमीटर स्पीड पर आकर चलता रहेगा। फिर आप जैसे एक्सेलेरेटर प्रेस करेंगे आपके इंटेंसिटी पे, एक्सेलेरेटर प्रेस के इंटेंसिटी के ऊपर आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। इसका टॉप स्पीड है 85-90 किलोमीटर। 85-90 यस। ओके, सो फॉर अ सिटी राइड 85-90 किलोमीटर इज ह्यूज। हाँ, जिसका रोज आने जाने डिस्टेंस कम है गाड़ी। डिस्टेंस कम नहीं है, 80 किलोमीटर जाना आना इज नॉट स्मॉल। हम लोग बोलते हैं 80 किलोमीटर बहुत कम है, लेकिन कोई बंदा 7 दिन 80 किलोमीटर गाड़ी को चलाए हॉस्पिटल में रहकर 9 बजे? हाँ वही, वो सही है बात, सही। एक बहुत अच्छी बात है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बार बार शोरूम में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं रेकमेंड करूँगा इस कार को लो। जिस फैमिली में 2-3 मेंबर है तो ज़रूर ले लो, चुक आँख बंद करके ले लो। ठीक है, पेट्रोल डीजल तो नहीं आता है, पेट्रोल पंप पे तो आपको नहीं जाना पड़ेगा कभी भी। और एक बात, आप इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत बहुत कम है, 2-3 साल में एक बार शोरूम में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लो मैं कहता हूँ। और पहले आप देखो
टेस्ट ड्राइव लो, जरूर टेस्ट ड्राइव लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, उससे आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ड्राइव लो। ओके। इसके साथ एक ऐप आता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप गाड़ी का एसी ऑन ऑफ, डोर लॉक अनलॉक, रिवाइव, जैसे रिजर्व फ्यूल रहता है ना, वैसे रिवाइव आप इस गाड़ी में दे सकते हैं 5 किलोमीटर जाने का एडिशनल। आप रेंज चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपके गाड़ी में जितना चार्ज है उससे आप हावड़ा तक जा सकते हो कि नहीं, वो आप यहाँ से देख सकते हो ऐप से ही। ऐप से। ओके ओके। तो इसका प्राइस, इसका बेस मॉडल का ऑन रोड है 8 लाख रुपए, मिड मॉडल है 8.80, टॉप मॉडल है 12 लाख। ओके ओके, ठीक है।